जिंदगी के लिए बात कितनी जाननी ज़रूरी है कि हम जिंदगी में कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी डिग्री ले लें, किसी भी पद पे चले जाएं, लेकिन हमारा व्यवहार जो है उसके साथ हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं समय समय पर। कभी कभी लोगों का व्यवहार हमें प्रभावित करता है, कभी हमारा व्यवहार लोगों को प्रभावित करता है, और ये सब कुछ एक साथ नहीं होता, ये आगे पीछे होता है। तो इस चक्कर में होता क्या आता है कि जब तक हम संभलते हैं तब तक कोई और बिगड़ जाता है, जब तक कोई और संभलता है तब तक हम बिगड़ जाते हैं, और ये सर्किल ऑफ लाइफ में चलता रहता है। इसी को कहते हैं रूठना मनाना, रूठना मनाना, और रूठने मराने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। अब एक वही विषय है यहाँ पर कि हम अक्सर चाहते हैं कि हम लोगों को खुश रखें, हम सभी को खुश रखें, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे सहपाठी हैं, जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं, उनको सभी को हम खुश रखें भाई, हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते। बहुत अच्छा नेक विषय है, नेक विचार है, लेकिन तब क्या जब सामने वाला दुखी होने को तैयार हो जाए, सामने वाला खुद ही संकल्प लिए बैठा है कि भाई हमको तो दुखी ही रहना है, भले ही आपने प्रयास किया या नहीं किया, आपने ऐसा कोई कर्म किया या नहीं किया, लेकिन साथियों ये बात अगर किसी ने कही है कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, अब कोई कहेगा इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बट इन सब चीज़ों में इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इंसान बहुत सारा अपना समय, बहुत सारे अपने विचार, जीवन की बहुत सारी गतिविधियाँ, जीवन की बहुत सारी संपदाएँ सिर्फ इसी काम में लगाता है कि सबको खुश कर लें। साहब आप ईमानदारी से खुद को खुश रखिए, आपकी व्यक्तित्व की वाइब्रेशंस, नो डाउट कि आपको दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए, बट अगर 100% लोग खुश ना भी हो पाए तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि कई बार इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते लोगों ने अंत में ये पाया है कि औरों को खुश करने जो निकले थे अंत में वो खुद ही अकेले रह गए, खुद ही दुखी हो गए और कहे कि हमको कोई खुश करने वाला नहीं मिला। तो दौड़ भागों से निकल करके अपनी ज़िंदगी में अपने निर्णय लीजिए, मन से सबके प्रति अच्छी भावनाएं रहें, अच्छी तरीके से हम व्यवहार करें, 100 में व्यवहार हो, जितने लोग खुश होते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना हो कि सभी खुश हों, लेकिन इस सत्य को जानते हुए कि एब्सोल्यूट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इस रियलिटी के साथ यदि हम प्रयास करेंगे तो खुश रहें, खुश रखें, बट सब खुश हो जाएंगे इस लक्ष्य को लेकर के अगर आप चलेंगे तो आप हर दिन दुखी होकर ही सोएंगे। तो आइए पॉजिटिवली इससे कुछ निकालें और ज़िंदगी में इसका अभ्यास